कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान करने गए दो युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक युवक को स्थानीय लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला। मामला वैशाली जिला के बिदुपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर घाट का है, जहां के मथुरा गांव निवासी सुरेश दास के पुत्र मनीष कुमार तथा मिंदेश्वर राय के पुत्र मनीष कुमार अपने एक और मित्र के साथ कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान के लिए बिदुपुर के गोपालपुर घाट पहुंचे। इस दौरान तीनों स्नान करने लगे, अचानक तीनों डूबने लगे। तीनों एक साथ एक दूसरे को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक मंजय और मनीष डूब गया, जबकि एक अन्य युवक को स्थानीय लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला। बाद में मनीष और मंजय का स्थानीय लोगों ने शव निकाला। शव मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बाद में दोनों युवकों का शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर लाया गया। वहीं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घटना हुआ, तीनों दोस्त था, एक ही जगह का था। गंगा जी ने स्नान करने गया था, कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। उसमें तीनों डूब रहा था, एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तीनों बच्चा जा रहा था। एक बच्चा तो निकल गया, दो बच्चा डूब गया। एक का नाम मनीष है और एक का मंजय है, दोनों है अभी मथुरा चक का बिदुपुर। दोनों पढ़ाई करते थे? हाँ, दोनों पढ़ाई करता था और दोनों का शादी भी लगने वाला था। हाँ, किस घाट पर डूबा है ये? गोपालपुर घाट। आप कौन हैं? हम तो बगल के पड़ोसी हुए।